दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जिसे चोटली रत्ती घुंघची भी कहते हैं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से रंग वाली होती है। वैसे तो सभी प्रकार की गुज्जा बूटियाँ विषैली उत्तेजक होती हैं, लेकिन इनमें कौन सी अधिक विषैली व उत्तेजक होती है और इनकी बेलों में अंतर भी होता है या नहीं। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों विद्वानों संतों महात्माओं ने गुज्जा बूटी बेल को तीन प्रकार के रंगों वाले बीजों वाली माना है, जिनमें लाल रंग वाले बीज जिन पर काले नेत्र होते हैं, दूसरी सफ़ेद रंग के बीजों वाली घुंघची, तीसरी काले रंग के बीजों वाली घुंघची। खास बात यह है कि दोस्तों तीनों प्रकार के बीजों वाली गुज्जा की बेलें देखने में समान दिखती हैं, बस अंतर केवल बीजों का ही होता है, उनके रंगों का ही होता है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि वैसे तो तीनों ही प्रकार की बेल वे उनके सभी भाग विषैले उत्तेजक होते हैं, लेकिन विद्वानों ने सफ़ेद रंग के बीजों वाली चिरमिटी को अधिक विषैली माना है। वैसे लाल रंग के बीजों वाली गुज्जा बेलें अधिक पाई जाती हैं। दोस्तों बाजारों में भी इनके बीज खूब बिकते हैं, लेकिन सफ़ेद व काले रंग के जो बीज हैं वो बहुत कम मिलते हैं और महंगे भी बिकते हैं। इनका प्रयोग जहाँ औषधि हेतु किया जाता है, वहीं इन्हें तांत्रिक लोग विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में भी प्रयोग करते हैं। दोस्तों वैसे भी ये विषैले गुणों वाली होने के कारण जिसके अनुचित प्रयोग से जीवन का संकट हो सकता है, इसीलिए गांव देहात के लोग इन्हें रखना अच्छा नहीं मानते और लड़ाई की जड़ कहकर भी पुकारते हैं। तो दोस्तों जड़ी बूटियों की पहचान करें, उनके गुण धर्मों प्रभावों को जानें और उनके प्रयोग में सावधानी बरतें। तो दोस्तों जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने में अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।